गुना से बीजेपी की ओर से उम्मीदवार बनाए गए केपी यादव ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान यादव के साथ ना तो भारी भीड़ नजर आई और ना ही बीजेपी का कोई बड़ा नेता नजर आया। माना जा रहा है कि गुना शिवपुरी संसदीय सीट पर बीजेपी ने पहले ही अपनी हार मान ली है और इसीलिए केपी यादव के साथ कोई बड़ा नेता खड़ा नहीं हो रहा है। केपी यादव की सभा में भी अधिकांश कुर्सियां खाली नजर आईं। वक्ता भले ही मंच से बोलते रहे कि चुनाव मोदी लड़ रहे हैं, केपी यादव नहीं, लेकिन जनता को लगता है ये बात समझ नहीं आई है।